हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात कर रहे हैं जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का 300 क्वेश्चन से पार्ट नंबर 6। पहला सवाल देखेंगे, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स इज अ सेट ऑफ कोड्स विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो वाइल डीलिंग विद बोरोवर्स। दिस कोड हैज बीन ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं कि फेयर प्रैक्टिस कोड जो है लेंडर का वो सेट किया गया है ताकि सारे बैंक्स उसको फॉलो कर सके जब कभी भी बोरोवर के साथ, यानी जो लोन मांगने आता है उसके साथ आप डील करते हैं। ये कोड आपको मदद करता है इंडियन इंडस्ट्री में कंसिस्टेंसी रहने के लिए, जहाँ ये चीज़ जो फेयर प्रैक्टिस कोड आया किसकी नोटिफिकेशन के बाद आया है, ठीक है। तो पहला सरफासी एक्ट 2002, दूसरा RDDBF 1993, फिर है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1997, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जो सही ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सरफासी एक्ट 2002। फिर है एज पर फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर्स बैंकर्स शुड हैव कंस्ट्रक्टिव विथ व्यू टू टेक केयर ऑफ एनी लैंडर रिलेटेड जेन्युइन डिफिकल्टी डेट अ बोरोवर मे फेस फॉर लोन्स अप टू रुपीज। बोलते हैं कि आपको फेयर प्रैक्टिस कोड के हिसाब से जो लैंडर का होता है यानी बैंकर का जो होता है एक अच्छा विचार होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव विचार होना चाहिए, ताकि जो लैंडर है यानी बैंक है वो सोच सके कि क्या जेन्युइन रीज़न है जिसके कारण बोरोवर को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। लोन कहाँ तक होगा, पहला है 25,000, दूसरा 1,00,000, दूसरा है तीसरा ऑप्शन है 2,00,000, पांचवा ऑप्शन है 5,00,000। जो सही ऑप्शन है वो क्या है, एक वो है आपका 2,00,000 रुपए तक का केस में बैंक इस चीज को सोच सकती है। तीसरा क्या है, एज पर फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स इफ ए बैंक रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्रोवर फॉर अ ट्रांसफर ऑफ हिज लोन अकाउंट टू अनदर अकाउंट बैंक इज टू कन्वे इट्स कंसेंट और ऑब्जेक्शन विदिन डैश फ्रॉम डेट ऑफ डैश रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। बोलता है कि जो फेयर प्रैक्टिस कोड है लेंडर का, जब बैंक को रिसीव होता है रिक्वेस्ट बोरोवर के साइड से कि भाई उसको ट्रांसफ़र करना है अपना लोन अकाउंट दूसरे बैंक में, तो बैंक इस चीज़ को या तो मंजूरी दे सकता है या तो ऑब्जेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, कितने दिन से कि भीतर भीतर जिस तारीख को उसको रिसीव होता है रिक्वेस्ट। पहला ऑप्शन है 30 दिन, दूसरा 21 दिन, तीसरा है आपका 15 दिन, चौथा है 10 दिन। तो सही ऑप्शन है वो है क्या है, 21 दिन। फिर है द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। बोलते हैं जो बैंकिंग कोड और बैंकिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है इसको किसकी चेयरमैन की कमेटी के अंडर इसको रिकमेंड किया गया था, पहला है एस एस तारापुर, दूसरा है तलवार, तीसरा है गोई पोरिया, चौथा है नरसिम्हम। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, एस एस तारापुर। फिर ए बैंक हैज एक्वायर्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इट हैज नॉट बीन एबल टू डिस्पोज इट ऑफ विद इन 7 ईयर्स, व्हाट रेमेडीज इज अवेलेबल टू द बैंक। बोलते हैं कि बैंक ने एक्वायर किया इमूवेबल प्रॉपर्टी पर वो इस पोजीशन में नहीं है कि उसको डिस्पोज कर सके यानी ख़त्म कर सके जो 7 साल के पीरियड उसको मिला था, तो इसके लिए बैंक के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। पहला बोलता है कि इट कैन सीक गवर्नमेंट परमिशन विच इज़ अवेलेबल फॉर 4 ईयर्स, दूसरा बोलता है इट कैन सीक द स्टेट गवर्नमेंट परमिशन where it is located which has the power to extend a period of 7 years by 5 years, फिर तीसरा है it can seek RBI permission which has authority to extend it by 5 years, फिर है it can seek RBI and company law board permission, bank will have to pay penalty for contravention of statutory directives। जो सही ऑप्शन है वो है सी, जहाँ पे कि क्या है कि RBI की आपको परमिशन लेना पड़ता है, उनके पास अथॉरिटी होते हैं कि 5 साल आपको एक्सटेंड कर देंगे। फिर रीजनल रूरल बैंक्स आर लाइसेंस्ड फॉर बैंकिंग बिजनेस अंडर। बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक को लाइसेंस मिला बैंकिंग बिजनेस करने का किसके तहत, तो सबसे पहला ऑप्शन है स्पेशल एसोसिएट है, दूसरा है कंपनीज एक्ट है, तीसरा कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, चौथा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, पाँचवा है RBI एक्ट है। तो RBI एक्ट के तहत इसको मिला हुआ है, सॉरी इसको मिला हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की तरफ, नॉट RBI एक्ट, ओके। उसके बाद चलिए फिर टू टेक केयर ऑफ टेम्पररी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट व्हाट काइंड ऑफ लोन गिवन बाय RBI। बोलते हैं कि जो आपका कुछ समय के लिए जो पैसे की प्रॉब्लम होती है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, किस तरह का लोन RBI देती है,
पहला ट्रेजरी बिल्स, दूसरा डेटेड सिक्योरिटीज, तीसरा शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड, चौथा वेज एंड मीन्स एडवांसेस, पांचवा है ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, वेज इन मीन्स एडवांसेस। फिर सेक्शन 7(1) ऑफ आरबीआई एक्ट कंसर्न्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स, बोलते सेक्शन 7(1) जो है आरबीआई का एक्ट का वो किस संबंध के लिए है। तो पहला है कि आरबीआई ऑथोरिटी टू रेगुलेट द बैंक्स, फिर दूसरा है नाबार्ड ऑथोरिटी टू रेगुलेट आरआरबीज, फिर तीसरा है गवर्नमेंट ऑथोरिटी टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई, तीसरा है चौथा है आरबीआई ऑथोरिटी टू इशू डायरेक्शंस टू बैंक्स इन इंडिया, पांचवा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बाय ऑफ इंडिया। जो सही ऑप्शन है इस केस में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आरबीआई ऑथोरिटी टू इशू डायरेक्शंस टू बैंक्स इन इंडिया। आरबीआई ऑथोरिटी देता है ताकि बैंक उसको फॉलो कर सके उसके डायरेक्शन के हिसाब से। फिर इफ ए बैंक, इफ एन इंडियन बैंक हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन वन स्टेट ओनली एंड हैज ऑफिस इन मुंबई और कोलकाता, व्हाट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम कैपिटल। बोलता है जो भारत में जो प्लेस जो आप जिस जगह पे आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी इंडियन बैंक है, भारतीय बैंक है और उसका बिजनेस सिर्फ एक स्टेट में है और उसकी ऑफिस मुंबई या फिर कोलकाता में, तो इस संदर्भ में कौन सी बात सही है मिनिमम कैपिटल का। पहला ऑप्शन है 5 लाख, दूसरा ऑप्शन है 5 लाख डिवाइड बाय ₹25,000 या 25,000 फॉर इच प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड मुंबई और कोलकाता, फिर है टोटल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹10,00,000। डी ऑप्शन है बी एंड सी, ई ऑप्शन है ए टू सी। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो हो जाएगा ई ए टू सी, यानी ए ऑप्शन भी सही, बी ऑप्शन भी सही, सी ऑप्शन भी सही है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सीलिंग ऑन पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज और कमीशन और डिस्काउंट और रिन्यूमरेशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स बाय ए बैंकिंग कंपनी। बोलते हैं क्या अमाउंट का सीलिंग होगा जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं ब्रोकरेज को, कमीशन को, डिस्काउंट को या फिर न्यूमरेट करते हैं जहाँ कहीं भी आप सेल करते हैं शेयर्स को किसी भी बैंकिंग कंपनी का। पहला है 1% ऑफ ऑथराइज कैपिटल, दूसरा 2% ऑफ इशूड कैपिटल, तीसरा है 2.5% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, फिर पाँचवा है चौथा है 5% ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, लास्ट में देर इज नो सीलिंग। जो सही ऑप्शन है वो क्या है, 2.5% ऑफ द पेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। फिर एक मेगा ऑफर है जो कि ऑफर लिमिटेड है केवल आपका 7 अक्टूबर 2018 तक। यहाँ पे हम आपको जीआईबी और सीआईबी की कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसके आप सारा वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं, 2007 का क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, आपको क्यूक्यू विजय नोट मिल जाएगा और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप कोई भी सिंगल जीआईबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं जिसका दाम है ₹2,000, ऑफर प्राइस में ये चीज़ ₹600 का रहेगा। अगर आप जीआईबी का कॉम्बो पैक खरीदते हैं यानी पेपर एक साथ खरीदते हैं इसका दाम है ₹4,500, ऑफर प्राइस है ₹1,500 रहेगा। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं ए बी एम प्लस बी एफ एम जिसका दाम है ₹3,500, ऑफर प्राइस में ₹1,100 है। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं जिसका दाम है ₹4,500, ऑफर प्राइस में ₹1,500 है। अगर आप 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं कोई पेपर का दाम है ₹199 और कॉम्बो पैक है मॉक टेस्ट का ₹299। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया cdc93@gmail.com।